बच्चे को दूध पिलाने गैस नहीं है इस टाइम में हमारे पास, इस टाइम में गैस पिलाने के हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं गर्म करके बच्चे को दूध पिला दूँ, ये हालात आ गए। गरीबों को हर तरफ से मरना है, हर तरफ से। लॉकडाउन से काम धंधा नहीं, रोजी रोटी नहीं, और बिल्कुल ही ऐसे कर दिया हमारे गरीबों को कि किसी लायक नहीं छोड़ा, ना मरने लायक, ना जी, ना मर सकते हैं ना जी सकते। जैसे तैसे अपने बच्चों को वहाँ से लेके साइड हुए, लेकिन सामान अंदर ही रह गया, लेकिन सामान को नहीं बचा पाया सर, सामान सारा जल के राख हो गया। त्योहार के दिन था, कपड़ा लत्ता खरीद रखे थे, सारे लूट गए, जल गए। अब इस टाइम में चार दिन में हम क्या करेंगे? ईद भी आ रही है, ईद भी आ रही है, सोमवार की ईद है। अमेरिका के डॉलर ड्रम के आने पे कम से कम अरबों खर्चा हुआ था साहब, वही पैसा अगर किसी गरीब किसान को, गरीब मजदूर को देते ना, तो आज मोदी जी की वाह वाह। जो मदद किए वो इंसानियत के नाते किए, मदद जो करना चाहिए था, और भर रात जागा हुआ हूँ अभी तक, सोया नहीं। कल दमकल केंद्र जैसे ही आग लगी ना, यहाँ पे दमकल केंद्र आया, दमकल केंद्र आई वहाँ पे, तो हम लोगों ने बोला भैया जी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कह रहे हम जल्दी कैसे करें, हमारा दिल्ली पुलिस से ऑर्डर ही नहीं है, तो हम जाएं कहाँ आगे? तो ये बताइए, ऐसे ऐसे स्थिति में दिल्ली पुलिस का ऑर्डर लेंगे कि जब आदमी मर जाएगा, जब दमकल से पानी डालेंगे? नमस्कार, मैं हूं शेखर तिवारी और इस वक्त मैं खड़ा हूं कीर्ति नगर के चूनाभट्टी इलाके में, जहां पे कि कल रात 11 बजे लगभग 11 बजे यहां पे एक भीषण आग लग गई थी झुग्गियों में, और कहा जा रहा है कि लगभग 250 से ज़्यादा झुग्गियां उस आग की चपेट में आई थीं। तो यहां पर कुछ लोग कैंप बना के रह रहे हैं, यहां पर एक जहां पे आग लगी थी उससे थोड़ा सा दूरी पर वो कैंप है, यहां पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। आइए उनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उस वक्त स्थिति थी, क्या हुआ, बताइए। कल रात कल 11 बजे के समय पर कुछ हमारे झुग्गियों के कुछ दूर पे जाकर मैं जो आग लगी है, कुछ देर बाद हम लोग पहुँचे कि मतलब विषय क्या बात हो गई, वहाँ पहुँचे तो आग लगी थी और वीडियो की लाइट कटी नहीं थी और मतलब केबलों में आग लगी, इसे डर बस के हम लोग भी हटे वहाँ से, तार कट कर गिर रहे थे कि करंट लग जाएगी, और उससे चपेट में ज़्यादा आग बढ़कर पूरी फैल गई आग, मजबूरी में सामान निकालना भी मजबूर हो गया, सामान तक जल गई। बड़े मुश्किल से बच्चों को बचा लिए हैं, कोई हादसा नहीं हुआ है, सामान को नुकसानदार ज़्यादा हो गया। जब आग लगी थी सबसे पहले आपने क्या किया? और आग लगने सबसे बड़ी बात हल्ला किया कि सभी की आग लगी बुताने की कोशिश किए, जब केबलों में आग लग गई तो मजबूरी हो गई कि बचना है मुझे, कि करंट लग सकता है और आदमी कोई घायल ज़्यादा हो सकता है, इस करके हट गए वहाँ से। और आग बुझाने की जो गाड़ियाँ थी वो लगभग कितनी देर बाद आई? गाड़ी आई है कम से कम यही आधा पौना घंटा के बाद पहुंची गाड़ी। मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। आपके झुग्गी में आग लगी है कल? हाँ जी, आग लगी है, सारा सामान राख हो गया जल के सर, कुछ भी नहीं बचा है। जब आग लगी थी तो आप कहाँ पर थे? हम सो रहे थे सर उस टाइम, 11:15 बजे का टाइम था, हम सो रहे थे। जब पड़ोस में आग लगी तो सब लोग ने जलाया, आग लग गई। जब देखे तो बुझाने के लिए कोशिश की, लेकिन बुझाने के काबू में बाहर थी। जब सोचे तो फिर जैसे तैसे अपने बच्चों को वहाँ से लेके साइड हुए, लेकिन सामान अंदर ही रह गया, लेकिन सामान को नहीं बचा पाया सर, सामान सारा जल के राख हो गया। यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने घरों में, कितने झुग्गी में आग लगी? 250 घर होंगे सर, कम से कम 250। हाँ जी सर। सरकार या प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद? अभी तक तो कोई नहीं, सब कह रहे हैं कि कुछ करेंगे सर, अब देखते हैं अब क्या होता आगे। आपका नाम? मोहम्मद अख्तर। ये हादसा कैसे हुआ आपके घर में, जो आग लगी कैसे लगी, कब लगी? सर कल 10:30 ही आग लगी है, उस तरह में आग लगी थी, हम खाना खा के निकले बाहर बच्चों को लेकर के अपने खिलाने के लिए, देखा वो आग 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 चिल्लाने लगा 12 बजे, बड़ी भयंकर आग लग गई, सारा सामान तो जल गया भाई साहब, कुछ तो बचा तो है ही नहीं, 2 सिलेंडर भी था वो भी चोरी उठा ले गया, जो सामान बाहर से बाहर निकालो चोर तो 10 लगे रहते हैं, सारे सामान को बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, कुछ कैश भी पैसे था मेरे पास वो भी गिर कर आ गया उसी में। आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं? 6 हम। कौन कौन? मेरे 2 लड़के हैं, एक बहू है, एक बीबी है, एक बच्चा। तो सभी घर में थे उसके वक्त? सब खाना खा रहे थे उस टाइम में हम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर के रहने वाले। और काम क्या करते हैं आप? मैं सर इस टाइम में बैठे हैं।
मजदूरी नहीं करे, अभी दिहाड़ी साड़ी लगा लेते हैं, इस टाइम बैठे हैं। अब जैसे घर में कुछ नहीं बचा, सारा घर राख हो चुका है, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी, बच्चे को दूध पिलाने गैस नहीं है इस टाइम हमारे पास, इस टाइम गैस पिलाने के हमारे पास पैसे भी नहीं है, मैं गर्म करके बच्चे को दूध पिला दूँ, ये हालात आ गए हैं। तो कोई सरकार से कोई मदद किसी तरीके की? कोई भी मदद नहीं भाई साहब, कोई मदद नहीं आई। तो अब सरकार अब घर देखो क्या घर है? नहीं है आपका, जो जगह है उस खाली मैदान बन चुका है। हाँ, तो यही रहेंगे। क्या सोचा है आगे, कैसे इस घर को बनाएंगे, कैसे करेंगे? अब बनाएंगे कैसे, कमाऊंगा करके, अब इस टाइम कुछ भी नहीं है, कोई जमा पूंजी सब कुछ भी नहीं हमारे पास, बस बैंक बैलेंस भी नहीं है। रोज कोई सरकार से रोज खाते हैं रोज कमाते हैं, वो भी बंद हो गया। तो जैसे जब से लॉकडाउन हुआ तब से आप कैसे मतलब भाई इस टाइम गुजारा ऐसे कर रहा था, एक टाइम जाता था खाना, इस टाइम केजरीवाल भाई साहब हमें दिए थे। तो अभी सरकार से क्या डिमांड है, क्या मांग क्या है? अभी हमारा कोई मांग है जो कोई आए नहीं है, दे देगा सरकार तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, जब स्थिति कर नहीं सकते हम ठीक। अभी आप अभी आपने देखा होगा कि हजारों लाखों लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल गए, आप क्या सोच के नहीं गए? भाई साहब हमारे पास मजबूरी थी, हमने हमारे पास पैसे नहीं था, हमारे हार्ट की बीमारी है, परेशानी शुगर बढ़ गई है, हमारे पास हर तरह की परेशानी है, घर में कुछ भी नहीं बचा आपके? नहीं भाई साहब, मेरे पास बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना मेरे पास रहने के, सब कुछ रात को चोरी जला से जला लूट के ले गए हैं, मैं बच्चों को कैसे खिलाऊं? शुगर के मरीज हूँ, मेरे आदमी हार्ट के मरीज है, शुगर है, मेरे को कुछ तो चाहिए। हमारी तो पूरी झुग्गी थी, ये देख रहे सारे जल गए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, भी सारा लूट लिए, सिलेंडर भी हमारा लूट लिए, यहाँ से खाना मिला वही बच्चे खाए, अभी वैसे ही पड़े हुए सारे, सारे कुछ हमारा रात को यहाँ लूट गया, कपड़ा तक नहीं पहनने के, कोई कुछ नहीं, कोई यहाँ पूछ नहीं, ये त्योहार देखने आता है, त्योहार के दिन था, कपड़ा लत्ता खरीद रखे थे, सारे लूट गए जल गए, अब इस टाइम में चार दिन में हम क्या करेंगे? ईद भी आ रही है, ईद भी आ रही है, सोमवार की ईद है, क्या करें, बड़ा मजबूर हूँ मैं सर, पूरे परिवार के कपड़े ईद के, बच्चों के सबके कपड़े, जो भी मैं खाने पीने का सामान था सारा उठा के ले गए, सिलेंडर दो था वो उठा के ले गए, विदेशों से बाहर से हिंदुस्तान के लोगों को हवाई जहाज से मंगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग कुत्ता बिल्ली के जैसे पटरी पे मर रहे हैं, रोडों पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे, उनको यहाँ बसें काले खां पे 1000 बसें लगी हैं, लेकिन उनको बसों से नहीं उनके घर भेजा जा रहा है, ये मरना नहीं है तो क्या है सर, जान के मारना है हम गरीबों को, आप विदेश से मंगवा रहे हवाई जहाजों से लोगों को, लेकिन यहाँ से बसें लगा के हमारे भाई बंधुओं को घर नहीं छोड़ रहे हैं, क्या मतलब है, कोई तो कारण होगा सर। आपके खाते में कुछ पैसे अभी तक? कुछ भी नहीं जी, जो सरकार बोल लेगी हर खाते में पैसा, कोई पैसा नहीं है, कोई पैसे तो नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं सर, मोदी सरकार तो बोल रही है ना, नहीं जी बोलने से क्या होता सर, बोलने से क्या होता है, लेकिन जो उनका दिया हुआ सिलेंडर था, कह रहे थे इतना भेजेंगे उतना भेजेंगे ये भेजेंगे, कोई पैसा नहीं सर हमारे बैंकों में, कोई पैसा नहीं आया। तो जब सब हर कोई घर जा रहा है आप क्यों रुके हुए हैं? सर मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मोदी जी मुझे घर मेरे मुझे खाने पीने को मेरे घर दे दें तो मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे क्या है यहाँ पे, हमारे पास कुछ ना यहाँ कुछ है ना वहाँ कुछ है साहब, ना वहाँ कुछ दिया है ना यहाँ कुछ दिया है, क्या करेंगे घर जाके। जब आपके घर में आग लग चुकी है अभी आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? मतलब अभी तो सर ये टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है गुजारा करने के, तो रेलवे रात पूरी रात रेल के लाइन में बैठ के काटे, अब अभी ये टेंट के नीचे है सर, यही है। खाना या भोजन का प्रबंध? खाना भोजन का प्रबंध सब लोग कर रहे हैं सर, खा रहे हैं पी रहे हैं सीखे सब, आपस में कर रहे हो या कहीं सरकार की तरफ? सरकार की तरफ से ये सब एंजॉय वाले जितने भी है एंजॉय वाले लेके दे रहे हैं सब, दे रहे हैं पार्टी वाले जो भी है सब लोग दे रहे हैं सर। अभी आगे क्या आपका भविष्य की क्या योजना कि आप दोबारा से उस घर को बनाएंगे खड़ा करेंगे या सरकार की मदद चाहेंगे या आप अपने पैसों से खड़ा करेंगे? सर अपने पास हमारे पास जो था वो सारा जल ही गया, हमारे पास है ही क्या, जो तो हमने बनाए थे वो सारा जल ही गया, अब सरकार की तरफ से कुछ होगा तभी कुछ बन पाएगा सर, नहीं तो कहाँ बन पाएगा। आप क्या काम करते हैं? सर मैं कंपनी में काम करता हूँ। आजकल कंपनी चल रही है? नहीं आजकल लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने से वैसे बैठे हुए हैं सर। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, जब आग लगी है तो पास में ही है घर हमारा, साइड में पड़ जाता है। आग लगी तो आपने क्या किया? आप पानी के चक्कर में दौड़ रहे थे और क्या करेंगे, पानी बुझाने के चक्कर में पड़ गए, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, सबको निकाले बाहर किए, सबको भगाया गया इधर से, दमकल की गाड़ियाँ आई है तो फिर बुझाई है सब, वो भी क्या नाम
पूरी रात हम लोग सोए नहीं है इसके चक्कर में, बच्चे इधर उधर भटका रहे। आग कैसे लगी अब तक कुछ पता नहीं? नहीं अभी पता नहीं चला उसको कैसे लग गई आग, पता ही नहीं चला। रात को सभी 11 बजे खा पी के सो रहा था, उस टाइम पे हुआ है हादसा, पता ही नहीं चला कैसे आग लग गई। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार पासवान। पासवान जी ये बताइए जब आग लगी थी आप कहाँ थे? जी देखिए मेरा घर है बिहार, ठीक है, मैं किराए पे रहता हूँ। जब से लॉकडाउन चला है पैसे तो नहीं लेता रूम वाले। ये जब रात में 11 बजे आग लगी, हम लोग रूम किरायादार को जो लड़की था फैमिली सब था वो लोग बाहर ही काले बचाए, पटरी पे रखे और पानी उनी लेके मुझाए, यही सब किया और क्या करें। आपने दमकल विभाग को फ़ोन किया था आग बुझाने वाले? हमारे पास तो भाई साहब मेरा मोबाइल था ख़राब हो गया, मेरे पास सिम बचा हुआ इसीलिए मैं फ़ोन कर नहीं पाया। जो मदद किए वो इंसानियत के नाते किए, मदद जो करना चाहिए था, और भर्रा जागा हुआ हूँ अभी तक सोया नहीं। आर्य जी ये बताइए कि यहाँ पे आप कीर्ति नगर गुड्डी में जो आग लगी है, हाँ जी, यहाँ पे आप क्यों आए, क्या वजह है? एक्चुअली मुझे सुबह पता चला कि यहाँ पे आग लगी है, हालांकि मैं भी पास के ही स्लम एरिया से हूँ। जब मुझे ये चीज़ पता चला कि बहुत दुख हुआ कि क्या है, तो हम लोग पहले सुबह जायजा लेने आए कि क्या किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या कितने घर जले। तो उस तरीके से एक जायजा लेने के बाद हम पूरी टीम आर्य समाज कीर्ति नगर की पूरी टीम मिल करके ये सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इनकी मदद कर सके। अभी क्योंकि इनका पूरा घर जल चुका, कपड़े जल चुके हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, तो इस तरीके से भी हम लोगों ने कपड़े बांटे। अब जा करके अभी हम लोग इनको खाने को दिया जा रहा है कि ताकि कमी ना हो, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना इनके लिए कर रहे हैं। दूसरी बार हमारे झुग्गियों में साहब, दूसरी बार, मगर इनके रात में इनके याद में हमारा पुराना दिन दे दें, हमको नया दिन नहीं चाहिए। जो हमारा पुराना दिन था वही गलती है ना हम लोगों के ऊपर वाले जानता है। हम तो मोदी जी से कहते हैं मोदी जी कोई ऐसा बम पटक दो के सब सो जाएंगे, नहीं मिलेगा ना, होगा बांस ना बजेगी बांस। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।